अभी हम आ रहे हैं अपनी एक रोड ट्रिप से, बोले तो कश्मीर की एक नई ट्रिप चल रही थी जिससे हम वापस आ रहे हैं। सो आते हुए आप लोगों के लिए एक नई वीडियो तैयार कर देते हैं। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, ये हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो बहुत ज़बरदस्त कश्मीर की ट्रिप के ऊपर हूँ, मतलब ऊपर नहीं हूँ, ट्रिप करके आ रहा हूँ वापसी, अभी पहुँचने वाला हूँ चंडीगढ़। सो होता क्या है बेसिकली कि जब भी हम कोई लॉन्ग ट्रिप करते हैं, जिस दिन जब हम जा रहे होते हैं या हम जब वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं उस रूट पे होते हैं, तो हमारे पास बहुत सी बातें होती हैं करने के लिए, लेकिन जब हम वापस आते हैं ना, समझ नहीं आता, बातें ख़त्म हो जाती हैं। सो ऐसा ही कुछ चल रहा था कि मेरे पास कुछ टॉपिक नहीं था, मैंने कहा क्या बताऊँ क्या करूँ वीडियो के ऊपर, समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने डिसाइड किया चलो एक काम करते हैं, इसी रूट के ऊपर एक नई वीडियो बना देते हैं जो कि हमारी एक पुरानी ट्रिप की अपडेट थी। बेसिकली था क्या कि मुझे कईयों के मैसेजेस आ रहे थे और कईयों ने DMs भी आए थे, मतलब DM और मैसेजेस एक ही बात है, कईयों का मैसेज आया और कईयों ने डायरेक्टली मेरे से फेस टू फेस भी पूछा कि स्पिति की ट्रिप करके आया। मैंने कहा हाँ सोलो, हाँ कितना लगा। सो सीधा बात यही आती है कि कितना लगा। सो मैं बताता हूँ कि आपको डिटेल में कि क्या किस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो और मैंने क्या किया था। सो बेसिकली मैं पहले ये बता देता हूँ कि मेरी ट्रिप स्पीति की जो ट्रिप थी वो बहुत अच्छे रेट पे हो गई थी, बोले तो मेरी ट्रिप पूरी 15,000 में कंप्लीट हो गई थी। मैं ट्रिप की बात करूँ, जो प्री जाने से पहले की प्रिपरेशन है मैं उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन ट्रिप की बात करूँगा। तो हुआ क्या, मैं गया था थोड़ा सा ऑफ सीज़न में, यही अगर आप सीज़न में जाओगे तो 15,000 का 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, लेकिन 15 नहीं होगा, ये कंफर्म है। तो मैंने क्या किया था, डे फर्स्ट में मैंने रुकना था शिमला, मेरा थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया, मैं रुक गया बिलासपुर। उसमें क्या फ़ायदा हुआ, बिलासपुर में जो होटल्स हैं वो थोड़े से सस्ते हैं और शिमला का रूट मैंने ऑलरेडी देखा हुआ था, तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो अलग रूट हो जाएगा, बिलासपुर चलते हैं। शिमला में रूम लोगे तो आपको 1500 से 2000 मिल लगते हैं और मेरे को बिलासपुर में करीब 600 या 700 रुपये में होटल मिल गया था। राइट, डे टू में हम गए बिलासपुर से चितकुल, ऑफ सीज़न, फिर बेनिफिट उठाया, वहाँ पे हमें रूम मिला 600-800 रुपये का। तो इसी तरह से करते करते होता क्या है कि बेसिकली आपको ऑफ सीज़न में आपके जो होटल के एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। बेसिकली वो पेट्रोल के एक्सपेंसेस कम नहीं हो सकते, पेट्रोल के एक्सपेंसेस उतने ही रहेंगे, वो नहीं, वो ऑफ सीज़न में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल का रेट तो ऑफ सीज़न में कोई कम थोड़ी होता है। सो सारा जो आपका खर्चा बचता है ना वो आपका बचता है होटल के एक्सपेंसेस से। तो अगर आपको बढ़िया अच्छा, अगर आप सोलो ट्रिप पे हो आप क्या कर सकते हो, आप होटल लेना चाहते हो ले लो, नहीं लेना चाहते आप डॉर्मेट यूज़ कर सकते हो कि शेयरिंग बेसिस जो उनसे होते हैं कि आपको एक वहाँ पे एक सिंगल बेड दे दिया जाएगा, वो आपको 400-500 रुपये में मिल जाएगा। मैंने वो नहीं लिए थे क्योंकि मुझे प्राइवेसी अच्छी लगती है कि मतलब रूम अपना ही हो, कि मैं अपना जो काम, क्योंकि सारा सामान हटा के सब कुछ सेट करके लैपटॉप में डेटा वेटा ट्रांसफ़र करके तो काफ़ी देर लग जाती थी और मेरे को नहीं अच्छा लगता था कि और कि कोई और वहाँ पे हो। सो इस वजह से मेरे लिए ये थोड़े से ये एक्सपेंसेस बढ़ जाते थे, जहाँ मेरे को 1000 रुपये का रूम मिलता था ना, तो वहाँ मुझे अगर मैं डॉर्मेट वाला यूज़ करूँ तो मेरे को 400-500 रुपये भी मिल जाएगा। तो इस तरह मेरी ट्रिप और सस्ती हो सकती थी। सो डे टू के बाद हमने किया डे थ्री में हम चितकुल से निकले और हम गए काजा। काजा में है मेरे को, काजा एक मेन पॉइंट है क्योंकि स्पिति वही जगह है, काजा स्पिति वैली। तो वहाँ पे मुझे होटल जो मिला वो मिला मुझे थोड़ा सा ज़्यादा, वहाँ पे मुझे मिला 1000 रुपये का। दो दिन मैंने वहाँ स्टे किया, स्टे करने के बाद मैंने नेक्स्ट डे मैं वहीं स्टे करना चाहता था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं चले गया किब्बर स्टे करने। किब्बर स्टे में वहाँ पे भी ऑफ सीज़न था क्योंकि वैसे लोग आते हैं, लेकिन ऑफ सीज़न में कोई वहाँ टूरिस्ट नहीं आया हुआ था, तो इस वजह से वहाँ और सस्ता हो गया। वहाँ मुझे मिला 600 रुपये का और वो मुझे बहुत पसंद आया था, होटल पुराना ओल्ड स्टाइल वाला होटल था। राइट, सो उसके बाद हम वहाँ से गए हम चंद्रताल। चंद्रताल की जगह बहुत अच्छी थी, वहाँ पे अगर आप सीज़न में जाते हो ना मई जून जुलाई में,
तो आपको करीब वो 2500 से 3000 रुपए के करीब पड़ेगा। लेकिन हम गए थे थोड़ा सा ऑफ सीज़न में, बेनिफिट उठाया हमने, हमें मिला करीब 1500 रुपए का होटल। सो वहाँ पे फिर पैसे बच गए। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने आए वहाँ से मनाली। मनाली में अरना रे बहुत सस्ता होटल मिल गया था वहाँ पे हमें, 600 रुपए में एक होटल मिल गया था। हम चार लोग थे क्योंकि ग्रुप बन गया था रास्ते में, चार लोगों का हमारा एक्सपेंस आया 300 रुपए पर हेड। सो ये भी बहुत सस्ता पड़ा हमें। और लास्ट दिन मैं मनाली से डायरेक्ट डाउन करना चाहता था दिल्ली के लिए, लेकिन कुछ हो गया, बारिश ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है, क्योंकि देखो ऑफ सीज़न में अगर आपको कोई बेनिफिट होता है ना तो कोई नुकसान भी होता है। सो वहाँ पे मुझे नुकसान हुआ कि मेरा एक दिन एक्स्ट्रा लग गया क्योंकि बारिश होने की वजह से स्पीड उतनी नहीं पकड़ पाया और मेरे को बिलासपुर दोबारा से एक स्टे करना पड़ गया। वहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि बिलासपुर में वही एक होटल लिया दूसरा, वो भी मुझे लोग पड़ा 700 रुपए के करीब पड़ा था। सो ओवरऑल देखा जाए तो और 4600 के बाद हम यहाँ पे आके रुके, 300 मनाली, 4900 और 600, फिर दोबारा से वापस पे बिलासपुर। आई होप मैंने सारे कैलकुलेट कर लिए। तो ये हमारा टोटल होता है 5600 हमारे 9 दिन के होटल का खर्चा आया था, जो मैंने थोड़े बढ़िया अच्छे होटल लिए थे। अगर यही आप डॉर्मेट यूज़ करोगे ना तो यही आपको 4600 का 4000 में भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। राइट, 4000 ये हो गया, मैं लगाता हूँ मेरी ट्रिप के लिए, तो 5600 ये हो गया। सेकंड, आपने मेरी बाइक की एवरेज देती है 35 के करीब, ऑफ रोड साथ में ऐड कर देते हैं तो मेरी बाइक की एवरेज कर देते हैं हम 30 की एवरेजली, जो पूरी ट्रिप में मेरी बाइक। सो स्पीति ट्रिप को प्लान करने से पहले आपको मैं कुछ बातें बता देता हूँ। बेसिकली आप अगर किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में अकेले हैंडल कर सकते हो, मींस कि जैसे सपोज़ आप कहीं जा रहे हो, रात के बज के 8, बिल्कुल अंधेरा है, आगे 10 किलोमीटर पीछे 10 किलोमीटर कोई नहीं है, माउंटेन्स हैं, जंगल है, आपके पास आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आपको आगे जाना ही जाना है, क्योंकि उससे पहले आपके पास कोई होटल कुछ नहीं होंगे। अगर आप उस सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कर सकते हो और आप जा सकते हो बिल्कुल अंधेरे में, क्योंकि जो इस बार कश्मीर वाली ट्रिप में हुआ है मेरे साथ यही हुआ है, लेकिन हाँ मेरे को कोई ऐसे दिक्कत नहीं हुई, मैंने बहुत प्यार से उस वहाँ ट्रैवल कर लिया। सो अगर इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशन में आप सर्वाइव कर सकते हो और आप जा सकते हो तो ही आप स्पीति की ट्रिप सोलो प्लान करना, नहीं तो आप ग्रुप में प्लान करना। सोलो में कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको 10-20 किलोमीटर आगे जाके होटल मिलेगा, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, और लेकिन आपको वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पहुँचने से पहले आपको कोई होटल नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि ये इस तरह की सिचुएशन आप हैंडल कर सकें। अगर ये सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं तो ही आप सोलो ट्रिप जाना, नहीं तो आप ग्रुप में ट्रिप जाओ, वो भी बहुत मज़ेदार आएगा आपको। राइट, सो नेक्स्ट वीक से हमारी कश्मीर वाली ट्रिप की एपिसोड भी शुरू हो जाएंगे। पहले ट्रेलर आएगा, फिर एपिसोड वाइज वीकली हर संडे आपके लिए एंटरटेनमेंट आएगा। सो आपको क्या करना है, हर संडे अपना बुक रखना है, थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा वीडियो देखनी है, एंजॉय करना है। सो ये वीडियो जो एपिसोड जो आएंगे बहुत ही ज़बरदस्त आएंगे, और एक एपिसोड तो इसमें ऐसा आएगा जो यूट्यूब की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। सो फर्स्ट टाइम हाँ हुआ, लेकिन बाय मिस्टेक। मिलते हैं एपिसोड में, वहीं पे आप देखना, आपको मज़ा आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।